हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सैयद अली शाह गिलान की वफात के दूसरे रोज़ भी आज वादी कश्मीर में बंदिशें जारी हैं। इंतजामिया ने और ख़ासकर पुलिस ने जगह जगह सड़कों पर खारदार तारें बिछाई हैं, जबकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज जिनमें CRPF और पुलिस है वो इजाफी नफरी उनकी तैनात की गई है। चूँकि आज जुम्मा भी है और उसकी वजह से आज जो मुतअद्दिद यहाँ मसाजिद है उनमें इज्तिमात होने वाले हैं जुम्मे के पेश नज़र, तो उसके पेश नज़र यहाँ इंतज़ामिया ने पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए हैं, जिसमें मसाजिद के बाहर और जो सड़कें हैं उन रब्ता सड़कें जाने वाली है उन वहाँ पर जो पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है, ताकि जुम्मे की नमाज के बाद कोई एहतजाजी जुलूस या कोई गायबाना जनाजा वहाँ अदा न किया जाए। तो इसके पेश नज़र आज यहाँ सख्त बंदिशें नाफिस की गई हैं। वहीं जो हैदरपोरा जहाँ गिलानी की रिहाइश गह है वो जो वहाँ रबते सड़कें हैं वो आज मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। सिर्फ जो एयरपोर्ट पे मुसाफिर है जिनको टिकट है वो दिखाने के बाद उनको वहाँ जाने की इजाज़त दी जा रही है। आम शहरी के लिए या जो मकामी लोग हैं वहाँ उनके लिए वो मकामी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और जो गिलानी का जो मकबरा है जहाँ उनकी तदफीन हो चुकी थी तो उसको भी सील कर दिया गया है, उसको एक फ़ौजी छावनी में तब्दील किया है। जो मवासलाती निज़ाम है वो जुज़वी तौर पर आज भी दूसरे रोज़ भी बंद है, जिसमें सिर्फ BSNL मोबाइल फ़ोन और जो लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड सर्विस है वो बहाल है। दीगर जो मवासलाती निज़ाम है जो निजी कंपनी है उनके तमाम जो मवासलाती निज़ाम है वो बंद है। तो इंतज़ामिया ने कहा कि कल जो IGP कश्मीर है यहाँ पुलिस के विजय कुमार, उन्हें कहा कि आज दोपहर के बाद वो यहाँ हालात का जायज़ा लेकर जो मवासलाती निज़ाम है उसका जायज़ा लेंगे कि क्या वो उसको खोलेंगे या अगले 2-3 दिनों तक बंद रहेंगे। लेकिन मजमूई तौर गुज़श्ता 2 रोज़ से हालात जो है उसका पुलिस का उन पर काबू रहा और जिसके पुलिस के मुताबिक कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। मीर फरहत, ETV भारत, श्रीनगर।